हमारे बहुत ही कर्मठ साथी मथुरा जिले के नेता अभिषेक जी, ये साइकिल यात्रा मथुरा पहुंची है, कब समापन होगा, कहां से निकली है और कितने किलोमीटर का लक्ष्य रखा गया है? ये 23 तारीख को इसका समापन है जंतर मंतर पर। ये गाजीपुर से शुरू हुई है और तकरीबन 1500 किलोमीटर की यात्रा हो जा रही है और हम लोग जगह जगह जा कर के लोगों से यही संदेश दे रहे हैं, यही उनसे आह्वान कर रहे हैं कि आप इस विफल सरकार को, केंद्र की सरकार जो हर एक मोर्चे पर फेल हुई है, किसान, नौजवान, व्यापारी या आम आदमी, हर एक इनकी नीतियों से परेशान है। इनके पास कोई नीति नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है देश चलाने के लिए। इन्होंने जो वादा किया था सब पे वादा खिलाफी किया, इन्होंने कोई वादे पूरे नहीं किए, कोई बात इन्होंने नहीं की। और दूसरी चीज़ की जो सामाजिक न्याय है, जो आरक्षण हम लोगों का है, दलित का, ओबीसी का, माइनॉरिटी का, मॉब लिंचिंग के नाम पर मुसलमानों को मारा जा रहा है, उन पर गलत मुकदमे लगाए जा रहे हैं, जाति के नाम पर एनकाउंटर हो रहे हैं, आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है, एससी एसटी से छेड़छाड़ की जा रही है, तमाम इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग जा रहे हैं लोगों के बीच, नौकरी से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, पढ़ाई लिखाई तैयारी, हर मामले में ये सरकार फिसड्डी साबित हुई। पेपर आउट हो रहे हैं, कॉपियाँ जला दी जा रही हैं, यहाँ पर सबूत नष्ट किए जा रहे हैं, इन पर हम क्या बोल रहे हैं, ये हर एक मुद्दे पर फेल हैं, एकदम असफल सरकार है। तो हम लोगों ने सीधा सा ये उपाय निकाला है कि साइकिल यात्रा के जरिए लोगों से हम यही आह्वान कर रहे हैं कि मोदी हटाइए, देश बचाइए, भाजपा हटाइए और इस देश का लोकतंत्र बचाइए। अगर इस देश के संविधान के हिसाब से चलाना है, लोकतंत्र के हिसाब से चलाना है और देश का भविष्य बेहतर बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी को 2019 में हर हाल में हटाना होगा।